मैंने कहा भी था, मैंने कि डॉक्टर साहब आप क्यों परेशान हो, मैं फ़ोन कर दूंगा, मेरे तो मन के बहुत लोग हैं परिचित, कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम छुड़वा देंगे। तो डॉक्टर वीरेंद्र ही मुझे बल्कि छोड़ गए। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई, चूँकि मेरे पास तो दवाई के फोटो स्टेट पर्चे भी हैं, मैंने हमेशा दवाई बाहर से लेता था, लेकिन यहाँ से भी ली तो यहाँ से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी ने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए। और डॉक्टर शालीन शर्मा के बारे में तो मैं ये स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, मतलब यहाँ मैंने कई लोगों को भेजा तो उन्होंने कभी कोई ऐसा नहीं कि भाई, उन्होंने कहा भाई त्यागी ने भेजा ठीक है, तो इनका मैं उन्हें फ़ोन कर देता था। बाकी ये है कि इनका व्यवहार जो है बहुत ही, मतलब ऐसे डॉक्टर बहुत कम हैं। वैसे तो मैं यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं या स्टाफ है लगभग मैं सभी को जानता हूँ, चूँकि 2.5 साल तो लगातार ही मैं आया यहाँ, 3 बार तो मैं ओटी में गया क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन्होंने वो मेरी सिस्टोस्कोपी की, शायद सिस्टोस्कोपी बोलते हैं उसे, तो मैंने ये भी कहा डॉक्टर साहब इसके पैसे, कह रहे कोई बात नहीं पैसे तो कोई बात नहीं। देखो डॉक्टर जो है कोई भी हो, डॉक्टर की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, चाहे वो IAS हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पैसा कोई किसी से ज़्यादा ले लिया गया या कम ले लिया गया। डॉक्टर साहब की जहाँ तक बात है, मैं इन डॉक्टर साहब से कई बार कहता हूँ, मैं कहा ये PSA आप फ्री कराओ, हो कहें को फ्री कराओ, बाहर तो 800-900 रुपये ले लें,